वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद आपको चेक करना सिखाऊंगा कि आप कैसे पता लगाएं कि ये क्वाड्रेटिक दे रखी है या नहीं। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले आप 9th क्लास के अंदर ये सब पढ़कर आए हो, लेकिन उसमें ना इक्वल टू जीरो या इक्वल टू समथिंग नहीं होता था, यानी इक्वल का साइन ही नहीं होता था, वो था पॉलिनोमियल। यानी जब ये अगर यहां ना हो, सिर्फ एक साइड हो, ठीक है, इक्वल का साइन ना, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पता होगी आपको ये बात। अब ये बन गई है इक्वेशन, क्योंकि इक्वल का साइन आ गया। आपको करना क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री टू, बस अपने माइंड में ये रखना है डिग्री टू। अब डिग्री क्या होती है, सारी इक्वेशन के अंदर पहले तो ये चीज का ध्यान रखना है, आपकी इक्वेशन बिल्कुल सोल्व होनी चाहिए। सोल्व कैसे, यानी इक्वल के राइट साइड में जीरो ही होना चाहिए। अगर कुछ हो रहा है तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, राइट साइड में आपने जीरो कर लिया, इसमें तो है जीरो, आप वेरिएबल की पावर चेक करनी शुरू करो। इधर वेरिएबल की पावर वन है, इधर टू है, टू इज द मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डिग्री टू। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसके अंदर अब टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी थ्री टर्म्स है, वन एक स्क्वायर वाली और एक एक्स के वन वाली। अब इधर देखो टी की पावर वन, टी की पावर टू, तो डिग्री कितनी हुई, टू, ज्यादा वाली पावर। ठीक है बेटा, डिग्री टू हो गई, तो हम इसको भी क्वाड्रेटिक बोलेंगे। यस, ये भी एक क्वाड्रेटिक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। टर्म्स का कोई बात नहीं, टर्म्स टू ही है इसमें, लेकिन डिग्री तो टू है ना। अब इधर देखते हैं, ये सिंगल टर्म है, जब प्लस माइनस आता है टर्म तो अभी चेंज होती है, दिस इज सिंगल टर्म, और टी के ऊपर टू ही है, तो ये भी डिग्री कितनी हो गई इसकी, टू। क्लियर है, तो यस ये भी क्वाड्रेटिक ही है, चाहे एक ही टर्म क्यों ना हो। क्लियर, अब इधर देखो, टू टी माइनस थ्री और इक्वल में जाके टी स्क्वायर। मैंने क्या बोला, पहले आपको टी स्क्वायर को अरेंज कर लेना चाहिए, वैसे तो देखने से ये भी पता चलेगी, लेकिन अपनी एक हैबिट बनाओ कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही डिसीजन लिया करो। टी को इधर लेकर आओ, माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा, और टू टी तो पहले ही है, माइनस थ्री इधर भी है, इधर, अब सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। अब आप देखो, डिग्री टू है, इधर कितनी है वन, तो यानी डिग्री इज टू, तो ये क्वाड्रेटिक। तो बेटा वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर डिग्री होती है, और अगर वो डिग्री टू निकल कर आ जाए तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। डन, अब आ गया जो, अब मैंने आपको क्या बोला कि सिंप्लीफाइड होना चाहिए। क्या हमारा रोल क्या होता है कि हमें सिंप्लीफाइड, इतना इजी तो देंगे नहीं आपको टेंथ में कि वे देखते ही पता चल जाए। तो आप देखो, नॉलेज क्या क्या आपको होनी चाहिए टेंथ में, आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी आनी चाहिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस ए, फोर आइडेंटिटीज अप्लाई करनी आनी चाहिए। अगर एक बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स का पॉलिनोमियल या टू टर्म्स का एक्सप्रेशन को टू टर्म्स, थ्री टर्म्स, वन टर्म मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है। अब जिसको ये नॉलेज नहीं है उसको प्रॉब्लम आएंगी, ये सब छोटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी करवाऊंगा मैं, लेकिन आपकी परफेक्शन हो जानी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटीज अप्लाई करनी नहीं आती है, आज भी प्रॉब्लम आती है आपको, तो बेटा डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, 10 मिनट्स की वीडियो है, बहुत ध्यान से बनाई गई है आपकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए। अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो ये प्रॉब्लम सारी रिमूव हो जाएंगी। आप इसको स्टार्ट करें, ये टू टर्म्स है, ये टू टर्म्स है, अभी ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन नहीं है, जब तक ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं तब तो बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड नहीं है। अब क्या करेंगे हम, x को, x माइनस थ्री को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। इसको लिखेंगे पहले हम कि x को पहले इस पूरे से करेंगे, 2x प्लस थ्री, अभी कर नहीं रहा मैं मल्टीप्लाई, लिख रहा हूं कि पहले इसको करूंगा इस पूरे से, फिर माइनस थ्री लिखूंगा, फिर माइनस थ्री को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू, इधर सिर्फ एक ही टर्म है और सीधा ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, यानी इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करना है, होता है ये भी मल्टीप्लाई है लेकिन सिंगल टर्म है। x को x से करेंगे x की 2 प्लस x को 5 से करेंगे 5x। क्लियर, अब आप ये मल्टीप्लाई कीजिए, x को वही हो गया ना, सिंगल टर्म रह गई जैसे ये किया आपने। अब x को 2x से करेंगे 2x, x को 1 से करेंगे x, 3 को 2x से करेंगे 6x, साइन माइनस का, साइन में गलतियां अब तक करते हैं स्टूडेंट्स, 3 बंदा 3, और ये बाहर माइनस होने के कारण ये वाला जो प्लस साइन है ये भी माइनस हो जाएगा, हाई अलर्ट जोन कैलकुलेशन का, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। गॉट इट, अभी भी सिंप्लीफाइड नहीं है, उधर कुछ नहीं बचना चाहिए, सब इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस x
माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का फाइव एक्स यहाँ के माइनस का फाइव एक्स हो गया। ठीक है बेटे, अब आप देखो एक्स स्क्वायर वालों को एडजस्ट करना है। एक्स स्क्वायर के आगे इधर क्या है टू, इधर एक्स स्क्वायर के आगे क्या है वन, टू माइनस वन ये माइनस वन है, टू माइनस वन वन बचा तो इट इज वन एक्स स्क्वायर। गॉट इट। अब माइनस ये एक्स वाले देखो जिन जिन के पास एक्स है, ठीक है इधर है वन, इधर है माइनस का सिक्स, इधर है माइनस का फाइव, तो प्लस के वन हो गए। देखो सॉल्व करना भी सिखा देता हूं, प्लस का तो वन हो गया और माइनस वाले कितने हो गए सिक्स एंड फाइव इलेवन, यानी माइनस के हो गए इलेवन। ऐसे लिख लिया करो प्लस माइनस माइनस, इलेवन में से वन गया टेन और साइन बड़े वाले नंबर का माइनस टेन, तो ये क्या हो गया माइनस टेन और एक्स तो लगाना ही है क्योंकि एक्स वालों को सोल्व किया। अब सीधा क्या बचा ओनली माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। अब डिग्री देखो इसकी, एक्स की टू पावर एक्स की वन पावर ज्यादा वाली कौन सी है टू है ना, इसलिए डिग्री टू हो गई। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। आओ अब इसको करें। वही बात बेटा, जैसे आप थ्री प्लस टू देखते ही फाइव दिमाग में आने लग जाते हैं ना, अगर आप एक मैथ्स अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो तो आपके पास भी जब a प्लस बी होल स्क्वायर आए, जैसे ही आए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर, शक्ल मैच फेस मैचिंग इस आइडेंटिटी से हो रही है। ठीक है, कई बच्चों को अभी नहीं पता चलता इसलिए बेटा मेरे को डिटेल में जाना पड़ता है। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे लगाएंगे, ए स्क्वायर यानी फर्स्ट वाले का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी सेकेंड वाले नंबर का स्क्वायर, फिर प्लस टू, फॉर्मूले में तो टू है ही है, फिर a का मतलब फर्स्ट वाला है x, b का मतलब सेकेंड वाला यानी वन, ऐसे आइडेंटिटी। अब ये टू ब्रैकेट हो गया इसका मतलब फिर वही टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम टू एक्स माइनस सिक्स। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस टू को हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स। क्लियर, सारे एक तरफ ले आओ क्योंकि उस तरफ तो हम जीरो कर देंगे, प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स, क्योंकि जब इधर लाएंगे साइन चेंज करते हुए लाएंगे, छोटी छोटी बातें हैं मतलब मेन है, एक्स स्क्वायर वाला तो कोई और है नहीं इसमें, कुछ नहीं करना। अब एक्स वाले देखो, ये भी एक्स वाला है ये भी एक्स वाला है, ये माइनस टू है ये प्लस टू है, प्लस टू माइनस टू जीरो हो गया यानी ये दोनों टर्म खत्म हो गई, वन बिना एक्स वाला सिक्स भी बिना एक्स वाला, सिक्स एंड वन सेवन इक्वल टू जीरो। डिग्री बताओ, ये मत देखो टर्म कितनी है, कई बच्चे सोचते हैं थ्री होंगी तभी हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, नो टर्म टू है लेकिन डिग्री तो टू ही है ना इसकी, तो डिग्री टू है तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट। आओ बेटा लास्ट क्वेश्चन इसका करें, इसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करके देखना। ए प्लस बी होल क्यूब यानी अब देखते ही फेस मैच किया करो, क्या इससे मिल रही है, नहीं इसके ऊपर तो टू है, टू वाली आइडेंटिटी थोड़ा ना थ्री वाली, और ये याद रख लेना बेटा ये ऐसी आइडेंटिटीज हैं जो पूरी बुक में कहीं ना कहीं नजर आती रहेंगी। तो आप सोचो ये क्वेश्चन में स्ट्रगल कर लेते हैं आगे के लिए, करें ना लर्न, करना पड़ेगा बेटा। आओ देखो करें इसको, ए क्यूब मतलब पहले वाले का क्यूब, ध्यान देना बेटा, ए क्यूब मतलब पहले वाले का क्यूब प्लस बी मतलब टू यानी सेकेंड वाले का क्यूब प्लस थ्री फॉर्मूले में है, ए मतलब ए स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर, ब्रैकेट यूज करो, बी बी मतलब सेकेंड वाला, क्लियर, फिर प्लस अभी आइडेंटिटी खत्म नहीं हुई है, फिर थ्री ए मतलब पहले वाला, फिर बी बी मतलब दूसरे वाला नंबर और उसका स्क्वायर बी का स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके। अब ये देखो ये सिंगल टर्म है, इसको टू मन मानना है, प्लस होता तो डबल हो जाती है, सिंगल है अंदर मल्टीप्लाई, टू एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे टू एक्स क्यूब, क्यों एक्स की वन पावर बाहर है टू अंदर, टू और वन थ्री, माइनस है तो माइनस, टू एक्स को वन से करेंगे टू एक्स। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब टू इंटू टू इंटू टू एट प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई, कैसे नंबर को नंबर से कर लो पहले, थ्री टू द सिक्स और एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस अब पहले स्क्वायर ये नहीं कि पहले थ्री को टू से कर दो, कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, टू टू द फोर, फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व और एक्स साथ में लगा देंगे इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। गॉट इट। अब एक तरफ लेकर आओ जल्दी से, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x
टू एक्स क्यूब यहां ले आओ माइनस का हो गया, माइनस का 2x यहां ले आओ प्लस का हो गया, गॉट इट। अब x क्यूब वाले सॉल्व कर लो, ये 1 है ये माइनस 2 है, तो लिख लिया करो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, माइनस 1 x क्यूब। अब x स्क्वायर वाले, स्क्वायर वाला तो ये अकेला है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेटा सिखाया गया था 7th 8th में, आपको अब सीख लेना चाहिए अगर नहीं आता तो। 12x प्लस 2x, 12 प्लस 2 14x, ठीक है बेटा। और 8 वाला तो अकेला है यहां पे, गॉट इट। अब हो गई सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब आप देखो x की 3 पावर भी आ गई, सबसे बड़ी पावर इधर हो गई 3, तो 3 वाले को तो हम क्वाड्रेटिक कहां कहेंगे, हम तो 2 वाले को कहेंगे, तो डिग्री 3, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है। तो बेटा बहुत ही प्रैक्टिस वाली चीजें हैं ये, और ये सब चीजें जो आइडेंटिटी अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, ये सब बेसिक चीजें हैं बेटा, ये सीखनी ही पड़ेंगी तो आपका मैथ्स अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब करो, और बेटा शेयर जरूर करो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको समझ आई है तो। थैंक यू सो मच।